बढ़ते तापमान में झुलसी फसलें, अभी तक भीषण गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही है। सोमवार को जींद जिला सबसे गर्म रहा। पिछले 30 दिन से लगातार 43 से 48 डिग्री के बीच दर्ज किए गए तापमान के कारण कपास, मूंग, ग्वार की फसलें झुलस गई हैं। इस कारण फसलों को 30% तक नुकसान हुआ है। ऐसे में अगर मानसून में एक सप्ताह की देरी हुई तो ये नुकसान 50% तक पहुंच जाएगा। धूल भरी आंधी के कारण सब्जियों का उत्पादन घटा है, जिस कारण दाम बढ़ते जा रहे हैं। लगातार लू चलने और तापमान सामान्य से अधिक बने रहने के कारण नुकसान हुआ है। अगेती फसलों में नुकसान सबसे अधिक है। इस बार गर्मी के लंबे दौर से मूंग की फसल पर सबसे अधिक मार पड़ी है। करीब 40% तक मूंग नष्ट हो चुकी है। कपास में 30% तक का नुकसान हो चुका है। अगेती ग्वार की फसल 25 से 35% तक झुलस कर सूख चुकी है। प्रदेश में करीब 10 लाख हेक्टेयर में कपास की बिजाई हुई। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़, रिवाड़ी, रोहतक जिले में कपास को सबसे अधिक नुकसान हुआ। कब मेहरबान होंगे इंद्रदेव? अभी 5 दिन और भीषण गर्मी झेलनी पड़ेगी। 19 जून की रात से मौसम में बदलाव हो सकता है। 20 जून से बन रहे बारिश के आसार, 22 जून से प्री मानसून के दस्तक के आसार। सोमवार को जींद जिला सबसे गर्म रहा। यहां का अधिकतम तापमान 46.9 डिग्री दर्ज किया गया। 11 जिलों में तापमान 46 डिग्री से अधिक रहा, जो सामान्य से 7 डिग्री तक अधिक है। अब रात को भी सुकून नहीं मिल पा रहा। दादरी में रात का तापमान 34.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पश्चिम विक्षोभ के चलते 19 जून से मौसम में बदलाव दिखेगा। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ 19 जून को उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों पर सक्रिय होने से एक चक्रवातीय सर्कुलेशन दक्षिण पंजाब के आसपास बनेगा। इसके चलते 19 से 21 जून के दौरान संपूर्ण इलाके पर आंशिक बादल का असर दिखेगा। हरियाणा के उत्तरी जिलों पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा और धीरे धीरे शेष हरियाणा पर भी प्रभाव आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा।